तमाम पार्टी के जिम्मेदारान की और वर्करों की मीटिंग रखी गई थी। उनकी तरफ से हमको ये मैसेज आया था कि वो शाम में 7:30 बजे आ रहे हैं, तो हमारी मीटिंग का वक्त हम लोगों ने करीब कर दिया उनके आने के लिए, बाकी सब लोगों से भी मुलाकात हो जाए। तो उनको आने में किसी वजह से देरी हो गई, जिसकी वजह से इतने लंबा हम लोग अभी 11:30 बज रहे हैं, लोगों की मीटिंग होकर ख़त्म हो गई। तो जो लोग सब आए हुए थे 7:30 बजे से, वो लोग अपने मसरूफियत की वजह से चले गए, इसलिए नहीं हो पाया। आज जो एक मुश्तरका प्रोग्राम जो डायमंड पार्टी की मीटिंग, उससे पहले से तय हो चुकी थी, और मुझे नहीं अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुश्तरका प्रोग्राम की दावत नामा ज़बानी या तहरीरी शक्ल में हम लोगों के पास नहीं आए। नहीं नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं, बात ये थी कि इज्तिमाही तौर पर लोगों को जमा किया गया था और वो लोग आकर चले गए। देखो, मालेगांव शहर में अकेला आदमी कुछ नहीं होता, और सियासत में अकेला आदमी कुछ नहीं होता। सारे वर्करान यहाँ पर थे, वर्कर्स बैठे हुए थे, और काफ़ी ताखिर के, और वक्त हमने उनको नहीं दिया था, उन्होंने हमको दिया था। और जब उनको ताखिर हो रही थी रास्ते में, जब भी उनका फ़ोन आया था कि हमको आने में देरी हो रही, अब लोग इंतज़ार किए और इंतज़ार के बाद लोग चले गए, तो हम लोग भी एक पार्टी लेकर है, तो वो जब लोग चले गए तो उसके बाद क्या बचा, तो नहीं मालूम पड़ा कि वो आएंगे बाहर। आपने इतना नहीं दी, आचार संहिता की वजह से गेट जल्दी बंद करने के लिए शायद पुलिस की गाड़ी गई होगी, मैं ऑफिस में हम लोग यहाँ थे तो पता नहीं, और आम तौर पर गेट बंद ही रहता है, मीटिंग के वक्त ही वो खुलता है गेट, क्या ऑफिस के सामने तो कोई गेट ही नहीं है। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट ग्रास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।